नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपकी एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों का मेल आया हुआ है, सब लोग कहते हैं कि भाई मच्छर से हम बहुत परेशान हैं, कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताइए जिससे हम मच्छर से जो हैं हमें जो छुटकारा मिले। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप घर से मच्छरों को भगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं दोस्तों जो हम नहीं जानते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कीजिए, निश्चित रूप से आपके घर से मच्छर भाग जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव अवश्य दें। तो दोस्तों, मच्छर भगाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपने घर में सारे खिड़की दरवाजे बंद करके धुआं कर लें। पुराने ज़माने में जब कुछ नहीं होता था तब इस तरह से जो है धुआं करते थे, और जब धुआं पूरे घर में भर जाए तो उसके बाद धीरे से जो है खिड़की दरवाजे खोल देते थे, इससे मच्छर सब बाहर भाग जाते हैं। तो ये एक आसान सा उपाय है दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं। आजकल जो हम आधुनिक युग में हैं तो मकान जो है काले हो जाएंगे, तो इसलिए आजकल ज़्यादातर लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा और सरल उपाय है जिससे मच्छर जो है कभी भी आपके घर में नहीं आएंगे। आइए दोस्तों, मैं अगला उपाय आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप जो है घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों, मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए। ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मच्छरदानी लगाने से आपको जो है पहली बात तो ये कि मच्छर नहीं काटेंगे, दूसरी बात यह है कि आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, किसी प्रकार का जो है कोई मिलावट नहीं होगा, तो इससे जो है आप आसानी से सो सकते हैं और मच्छर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये एक आसान सा उपाय था। इसके अलावा जो है मच्छर को भगाने के और भी तरीके हैं। आजकल जो है बाज़ार में जो है मच्छर मारने के रैकेट मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मच्छरों को जो है जो रैकेट होता है उसको आप जो है इलेक्ट्रिक में लगाइए, उसमें करंट होता है, जैसे ही मच्छर देखिए आप उसको मारिए वो मर जाते हैं, तो इससे भी आपकी सेहत में कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। आइए मैं कुछ आपको घरेलू उपाय बताऊँगा, बोला हूँ तो ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। संतरे के छिलके, हाँ दोस्तों, जब भी संतरे का मौसम आए तो संतरे के सारे छिलके निकाल कर उसे सुखा लें और रखे रहें। जब भी आप घर में रहें और करीब जो है, एक बात को ज़रूर ध्यान रखें कि मच्छर का आक्रमण हमेशा 6 बजे के आसपास होता है, तो अगर 6 बजे से लेके 7 या 8 बजे तक, या 5:30 से लेके 7 बजे तक आप अगर घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद रखेंगे तो मच्छर जो है आपके घर में नहीं आएंगे, किसी और के घर में चल जाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो मैं आपको बोल रहा था संतरे, हाँ संतरे के छिलके को जो है सुखा लें, सुखाने के बाद कोयले जब सुलग रहा हो तो उसके ऊपर से डाल दें, तो जो है थोड़ा थोड़ा करके डाल लें, तो इसके जो धुएं से जो है मच्छर भाग जाएंगे। तो ये एक बहुत आसान सा उपाय है फोकट का, बिल्कुल घर में आप संतरा तो खाते ही होंगे, तो उसके छिलके को रख लीजिए और उसको जो है आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए तो मच्छर भाग जाएंगे और कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। अगला उपाय दोस्तों, अगला उपाय है कि मच्छरों को भगाने के लिए हम जो है रासायनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, वो हमारे लिए और हमारे कमरे को प्रदूषित करता है, तो उससे जो है हमें कोशिश करना चाहिए जो है बचे रहें। तो आइए मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ। मिट्टी के तेल में, मिट्टी का तेल जिसे हम कैरोसिन भी कहते हैं, इसमें 20 ग्राम नारियल तेल और करीब 30 ग्राम नीम का तेल डालकर साथ में कपूर की 2 टिक्की का घोल बनाकर लालटेन जलाने से आपके घर में मच्छर नहीं फंसेंगे। ये तो दोस्तों जिनके घर में लालटेन है उनके लिए, जिनके घर लालटेन नहीं है उनके लिए क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ, उनके लिए भी यही है। ये मिश्रण में आप जो है जो एक टुक बत्ती लगा लीजिए और एक जो है बड़े से दिया में इसको रख दीजिए और इसको रात भर जलने के लिए छोड़ दीजिए, इससे रोशनी भी आएगी और जब तक ये जलता रहेगा तो इसमें से जो है जो नीम का जो है वो और कपूर और ये सब जो चीज़ें जो मिली हुई है इसकी गंध से मच्छर भाग जाएंगे और आपके स्वास्थ्य में भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
दोस्तों अगला उपाय है नींबू, नींबू को काटकर दोनों दो हिस्सों में कर लें और उसमें जो है आप जो है लौंग लगा दें, जो है करीब एक दर्जन दो दर्जन के आसपास लौंग लगा दें और इसे रख दें अपने बिस्तर के पास, तो मच्छर जो है आपके पास नहीं आएंगे। तो तीसरा उपाय है सरसों के तेल में पीसी हुई अजवाइन मिलाएं, सरसों का तेल लीजिए और उसमें पीसी हुई अजवाइन मिलाएं और जो है कागज़ के टुकड़ों में इसे भिगा के घर के चार पांच हिस्सों में वो कागज़ को रख दें, मच्छर नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय मैं आपको बताऊंगा, तो जो है मच्छरदानी के बारे में आपको बता चुका हूँ। देखो दोस्तों, हम जो है हमारे पूर्वज जो हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी चीज़ करने क्या फ़ायदा होता है, जो हम आज नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि हवन करना हो गया या यज्ञ करना हो गया, ये सब करने से जो है मच्छर कीट मकोड़े सब मर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो इसलिए ये सब किया जाता है। और आजकल की नई जनरेशन तो इससे दूर ही रहती है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर इस तरह से हवन ववन या कुछ ऐसा घर में ज़रूर कराएं, जिससे जो है घर के अंदर मच्छर कीड़े मकोड़े सब प्रकार के कीड़े मकोड़े सब भाग जाएंगे। तो आइए दोस्तों अगला उपाय मैं बताता हूँ। अगला उपाय है तुलसी। रात को सोते समय तुलसी पत्तों का रस सोयाबीन का तेल लगाने पर आपको मच्छर नहीं काटेंगे। दोस्तों करना ये है कि आपको तुलसी का पत्ता लेना है और उसका रस निकालना है, साथ में उसमें थोड़ा सा जो है सोयाबीन का तेल मिला लें और उसको अच्छी तरह से पूरे शरीर में मल लें, तो इससे जो है आपको मच्छर नहीं काटेंगे। और आजकल दोस्तों ओडोनिल और इस तरह के बहुत सारे जो ट्यूब आते हैं वो सब इसी के रूप में है, लेकिन इसमें केमिकल मिला होता है। तो चूंकि मैं आपको घरेलू उपाय बता रहा हूँ, इसलिए घर में किस तरह से आप इसे बना के अपने शरीर में लगाएं जिससे आपको मच्छर ना काटे, तो दोस्तों ये भी एक अच्छा उपाय है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के तेल में लौंग का तेल मिलाकर त्वचा पर लगाइए। हाँ दोस्तों, लौंग का तेल मिलाइए नारियल के तेल में और इसे पूरे शरीर पर अप्लाई कर दीजिए और सो जाइए। इससे जो है इसकी गंध से जो है मच्छर नहीं आएंगे और आपकी त्वचा भी धमकने लगेगी, अच्छा लगेगा और आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। एक और अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यदि आपके घर के आसपास अगर थोड़ा बहुत ज़मीन है या बागवानी के लिए आप जो है सोचते हैं, तो गेंदे का फूल ज़रूर लगाएं। गेंदे का फूल एक ऐसा होता है जिसकी सुगंध से मच्छर भाग जाते हैं, तो कोशिश करें कि अपने घर के आसपास जो है गेंदे का पौधा लगाएं, जिससे मच्छर उसकी गंध से भाग जाते हैं, तो आपको मच्छर काटेंगे नहीं। तो गेंदे का पौधा भी एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा दोस्तों बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे गुड नाइट, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, तो इस तरह के जो होते हैं इसको हमेशा जो है यूज़ करने से परहेज़ करना चाहिए, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंट तो मच्छर को भगा देते हैं लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक होता है। जैसे कॉइल हो गया, बहुत सारी कॉइलें आती हैं, तो ये सब जलाना ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसमें केमिकल होता है। तो कोशिश करें इनको अवॉइड करना। स्पीड फास्ट इस तरह के भी कुछ विकल्प बाज़ार में मौजूद है। स्प्रे बहुत सारे मौजूद हैं, स्प्रे भी बहुत डेंजर होते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, एक तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता ही है और दूसरा ये सब चीज़ें अगर कोई बच्चे या बुज़ुर्ग कोई खा ले तो उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें। लहसुन अगला उपाय, लहसुन है, लहसुन को जो है आप जो है लहसुन के इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की कच्ची चली कली को जो है चबाएं, काटें, इसे सोने से पहले आप खा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही लहसुन शरीर में रक्त को भी बढ़िया करता है, तो उसको चबा लें, खा लें लहसुन को, कच्चे लहसुन को, तो इससे भी मच्छर नहीं आएंगे इसकी गंध से। नीम, नीम का तेल और पुदीने का तेल मिलाकर पूरे शरीर पे अप्लाई करें।
इसको पूरे शरीर पे लगाएंगे तो मच्छर इसकी जो है दुर्गंध से वापस नहीं आएंगे। हालांकि हमें तो अच्छा सुगंध लगेगी, लेकिन उनके लिए जो है जानलेवा है तो वो नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय मच्छर को भगाने के, आप कीजिए और ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों।